हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल एंड लग्जरी चैनल में। महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का नाम पिछले कुछ दिनों से हर भारतीयों की जबान पर चढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों लवलीना की जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त था जब इनका परिवार दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करता था। सारी चुनौतियों के बावजूद लवलीना ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार कर दिया। आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हम आपको लवलीना बोरगोहेन की जिंदगी से जुड़े कई अनछुए पहलुओं के बारे में भी बताएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोरगोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लवलीना का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो परिवार बेहद ही गरीब था और इनके माता पिता बहुत छोटे से बिजनेस से अपना गुजारा करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से लवलीना का बचपन भी तंगी और गरीबी में बीता, मगर सारी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और सपने देखना नहीं छोड़ा। आगे चलकर इन्हें कामयाबी भी मिली। लवलीना बोरगोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ है। इस तरह फिलहाल उनकी उम्र 23 साल है। लवलीना बोरगोहेन का परिवार मूल रूप से असम के गोलाघाट जिले का है। लवलीना के पिता का नाम टिकन बोरगोहेन और माता का नाम मामुनी बोरगोहेन है। लवलीना के परिवार में उनके अलावा दो बहनें भी हैं। एक बहन का नाम रिचा और दूसरी का नाम लेमा है। दोनों बहनें लवलीना से बड़ी हैं और जुड़वा हैं। लवलीना से पहले उनकी दोनों बहनें भी किक बॉक्सिंग की बेहतरीन प्लेयर्स थीं। वो लोकल लेवल पर एक जानी पहचाने किक बॉक्सर्स बन गई थीं। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, इस वजह से लवलीना की बहनें अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पाईं। लवलीना आज जबरदस्त बॉक्सर बन गई हैं, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किक बॉक्सर के रूप में की थी। क्योंकि इनकी दोनों बहनें बहुत अच्छी किक बॉक्सर थीं, ऐसे में इन्होंने अपनी बहनों से ही किक बॉक्सिंग के गुण सीख लिए और किक बॉक्सर बन गईं। लेकिन 2003 के बाद ये बॉक्सर बन गईं। लवलीना की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से हुई है। जब ये सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी, उसी दौरान उनके स्कूल में टेबल सर्च कैंपेन के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई। यहाँ भी इनका ट्रायल लिया गया। ट्रायल में इन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। यहीं से इनकी किस्मत बदल गई और 2012 से ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देखरेख में खेल के गुण सीखने लगी और देखते ही देखते बेहतरीन बॉक्सर बन गईं। 2017 में इन्हें वुमेन्स एशियन अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिला। वियतनाम में हुए इस टूर्नामेंट में लवलीना बोरगोहेन ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमा लिया। दुबई में मई 2021 में हुए इसी टूर्नामेंट में एक बार फिर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीत लिया। इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 2018 में आया, जब इन्होंने फरवरी 2018 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इस कामयाबी के बाद इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2018 के लिए भारतीय बॉक्सिंग टीम में जगह मिल गई। यहां भी इन्होंने अपने प्रदर्शन से खास प्रभावित किया। इसके बाद ये एक के बाद एक कई मेडल्स जीतती चली गईं। 2019 में इन्होंने AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में भी ब्रोंज मेडल जीता। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में आया, जब उन्होंने 30 जुलाई 2021 को भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में दूसरा मेडल जीता। चलिए अब इनके करियर से हटकर कुछ दूसरी बातें आपको बताते हैं। लवलीना फिलहाल अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं। इनका घर असम के गोलाघाट जिले के बरमुठिया गांव में है। इनका घर कितने पिछड़े इलाके में है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक इनके गांव में पक्की सड़कें नहीं हैं। जब इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता, तब इनके गांव में पक्की सड़क बनने का काम शुरू हुआ। शुरुआत में इनके पास बेहद गरीबी के कारण कोई कार नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ मेडल जीतने के बाद एक स्कॉर्पियो खरीदी है जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। यूं तो इन्होंने कई बड़े मेडल्स अपने नाम किए हैं, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा सम्मान 2019 में भारत के राष्ट्रपति की ओर से अर्जुन अवार्ड के रूप में दिया गया है। इसके अलावा ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर भी इन्हें लाखों रुपए इनाम में मिलते हैं। ओलंपिक्स मेडल जीतने के बाद एक तरह से लवलीना बोरगोहेन की किस्मत ही बदल गई। इन पर इनाम की बारिश हो रही है। इन्हें सरकार की ओर से लाखों रुपए इनाम के रूप में मिल चुके हैं। चूँकि अभी इन्हें खूब पैसे इनाम के रूप में मिल रहे हैं,
इससे इनके नेटवर्थ में भी बड़ा उछाल आया है। फिलहाल इनकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए के करीब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी बेहतरीन वीडियोस लगातार आती रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।